हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गर्मी जैसे चालू हो गई है, आप लोगों को पता है गर्मी में हम अपने बर्ड्स की कैसे केयर करें, तो ये सब आज की इस वीडियो में मैंने बताया। अगर आज की वीडियो आप पूरी कम्प्लीट देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा गर्मी में हमें अपने बर्ड्स की कैसे केयर करनी है। तो वीडियो कम्प्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखो आप कम्प्लीट, तभी आपको कुछ पता लगेगा। फाइनली आ गया हूँ अपने सेटअप की तरफ। पहले आपको सेटअप दिखाया था बाहर का, और धूप भी अच्छी खासी निकलने लगी है। अब गर्मियों में हमें अपने बर्ड्स को क्या क्या खिलाना है, क्या क्या प्रोवाइड करना है और क्या क्या हमें उनके साथ केयर करनी है, वही सब आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अगर वीडियो आप कम्प्लीट देख लोगे, अगर वीडियो कम्प्लीट नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वीडियो, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो कम्प्लीट देखो आप। अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब कॉलोनी के अंदर लेके आप लोगों को। पहले अपने बर्ड्स दिखाए थे हम, और बर्ड्स देखना क्या है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़े बहुत जो भी है मेरे पास, और फिर उसके बाद में मैं एक एक करके आपको चीज़ बताऊँगा, आप नोट करते रहना। पहले बात तो अब मैंने ये दाने के बर्तन जो है खाली कर दिए हैं 100 फुट, और हम अभी क्या क्या देंगे इनको गर्मियों में। तो ग्रीन वेजिस में हमें इनको देना है धनिया, पालक और ये मेथी है जो ख़त्म हो गई है अब वो देना नहीं है हमें। अब हमें धनिया देना है, खीरा देना है, ककड़ी देनी है, चकुंदर देना है, ये सब चीज़ें देनी है। अब जो ठंडी चीज़ें आ रही हैं अब वही हम गर्मी में इनको देंगे ताकि पानी की कमी ना हो इनके शरीर में। और बाकी पानी में हमें ORS मिला के देना है इन्हें, और पानी के बर्तन भी अब हमें चेंज कर देने हैं। पानी के बर्तन आप मिट्टी के दे सकते हैं, साथ में मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा मिट्टी का कौन सा बर्तन देना है, वीडियो के साथ में ही फ़ोटो भी दिखाता रहूँगा मैं आपको। तो मिट्टी का बर्तन देना है, जो पहले हम प्लास्टिक के बर्तन में पानी दे रहे थे अब हमें मिट्टी के बर्तन में पानी देना है। और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना आपको कॉलोनी में अपनी, जैसे आप पहले एक हफ्ते में सफ़ा करते थे अब 2-4 दिन बाद सफ़ा कर देना, क्योंकि ज़्यादा गंदगी से भी इन्फेक्शन फैल जाता है हमारी कॉलोनियों में। और पानी का जो स्प्रे होता है वो भी हमें गर्मी में करना है, तो स्प्रे बोतल ले लेना आप, साथ में दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पे आपको फ़ोटो स्प्रे बोतल कौन सी लेनी है हमें। और उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, खाली सादा पानी लेना है। अगर आप लोगों के बजीज के अगर खुजली वजली हो रही है तो आप नीम का पानी उबाल के ठंडा करके उसमें मिक्स करके तब मिला सकते हैं पानी में डाल के, तब उनको स्प्रे कर सकते हैं। बाकी कोई मेडिसिन नहीं डालनी है हमें, अगर मेडिसिन डालोगे डिटोल वगैरह उनकी आँख में भी जा सकता है, उससे आँख ख़राब भी हो सकती है। तो नीम का पानी होगा, नेचुरल होगा, उससे कोई इन्हें नुकसान नहीं होगा। और बाकी सॉफ्ट फूड में हमें क्या क्या देना है, पहले हम जैसे सर्दियों में उबाल के दे रहे थे सॉफ्ट फूड गेहूँ वगैरह, तो अब हमें भिगो के देना है। अब जैसे हम भिगो के दे रहे हैं, आज मैं दूंगा इनको भिगो के, इनमें हरी मूंग ले रखी है मैंने, गेहूँ ले रखा है, बाजरा ले रखा है, क्योंकि हरी मूंग बहुत प्रोटीन होता है, उसमें कैल्शियम होता है। आप इसको स्प्राउट भी दे सकते हैं, स्प्राउट जो होते हैं बना के, स्प्राउट कैसे बनाने हैं वो मेरे पर चैनल पर वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। और हमें गेहूँ जो है हमें गर्म होता है गेहूँ, और पानी में डाल देते हैं हम लोग तो उसकी जो है तासीर ठंडी हो जाती है, और बाजरा जो होता है उसकी भी तासीर ठंडी हो जाती है। तो हमें भिगो के देना है रात में, अभी ये रखना है हमें आज, तो अगली सुबह को हमें देना है भिगो के, निचोड़ के अच्छे तरीके से पानी में, और पानी में से निकालने के बाद किसी कपड़े पर फैला देना है ताकि उसका पानी जो है सब सोख ले कपड़ा, और फिर उसके बाद थोड़ा ड्राई हो जाए वो, तब आप उनको प्रोवाइड करना। पानी पानी ना हो उसके अंदर तो थोड़ा नुकसान भी दे सकता है। और जो हमें सॉफ्ट फूड दाने में क्या क्या चेंजिंग करनी है अपने, दाने में बताता हूँ आपको। और वेंटिलेशन के लिए जैसे देख सकते हो बाहर से मैंने कुछ नहीं लगाया था अभी, क्योंकि गर्मी थी, और अब गर्मी स्टार्ट होगी तो अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगा इसमें, सर्दी होगी तो मैं इसमें तरपाल लगा दूंगा बाहर से, अभी मुझे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर से हमें ठंडी हवा चाहिए, अभी तो बहुत ज़रूरत है हवा की। और इधर से मैंने 2 वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखे हैं, इधर से आएगी हवा इधर से जाएगी, तो वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। और सीड मिक्स में हमें क्या क्या चेंज करना है वो बताता हूँ मैं आपको। सीड मिक्स में जैसे हम लोग पहले सनफ्लावर सीड ऐड कर रहे थे, और अलसी ऐड कर रहा था मैं अपने, उसमें मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोग क्या पता क्या ऐड करते हो। तो हमें कंगनी देनी है अब इस समय पे, सूरजमुखी उसमें से निकाल देना है, और अलसी निकाल देनी है उसमें से। बाजरा हमें रखना रेगुलर देना है पूरे साल, बाजरा कोई ज़्यादा क्वांटिटी कम करनी है बस बाजरे की, क्योंकि बाजरे से डाइजेस्ट की इनको प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी, हाजमा कर देता बाजरा, तो ये सब चीज़ें हमें देनी है। और ये जो मैंने अभी सॉफ्ट फूड भिगोया है ये सब ड्राई हो गया, मैंने कपड़े में सुखाने रख दिया था इसे, तो सारा पानी कपड़े ने सोख लिया है इसका। अभी मैं इसको प्रोवाइड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा भी कितने शौक से खाते हैं मेरे बर्ड्स। और जिसके भाई के अगर बर्ड्स ना खाते हों तो उसे रात में हमारे जो पिंजरे होते हैं, कॉलोनी होती हैं, केजेस होते हैं,
अपना दाना पानी जो भी है निकाल के रख देना है, पानी चाहे एक बार वो रखे रहने देना, मगर दाना निकाल के रख देना है। अगले दिन आप कोई भी चीज़ दोगे तो वो फटाक से खा लेंगे आपके बर्ड्स, कुछ भी खाते ना हो जाए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं हमारे बर्ड्स चावल नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो सब खाने लगेंगे वो। और अब सीड मिक्स में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या मिक्स करना है, बस ये तो चलती रहेगी वीडियो। सीड मिक्स में हमें देना है बाजरा मिलाना है, कंगनी मिलानी है, और इसमें जई मिलानी है, जौ जो होती है जई जो होती है, ये ठंडी चीज़ें हैं सब ये, तो ये सब चीज़ें देनी है हम लोगों को सीड मिक्स में, और उसमें कुछ ऐड नहीं करना है हमें। और बाकी देख सकते हो अभी बर्तन में पानी का यही ले रखा है मैंने, प्लास्टिक का जो बर्तन है ये यही ले रखा है मैंने अभी पानी के लिए, केजेस है मेरे पास अभी। अभी मैं एक आध दिन बाद कॉलोनी में जब मैं छोड़ दूँगा तो मैं मिट्टी का बर्तन ले आऊँगा, जो कुंडे वगैरह होते हैं मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो ले लेंगे हम पानी के लिए, क्योंकि उसमें पूरा दिन पानी रखा रहेगा तो हम ठंडा रखेगा पानी उसके अंदर। और ORS भी मिला के दे सकते हो आप उसमें पानी में, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हीट स्ट्रोक ना हो बर्ड्स को हमारे, तो ORS जो पानी की कमी को पूरा करता है। तो ये देख सकते हो बहुत शौक से खा रहे हैं बर्ड्स मेरे, मैंने रख दिया है इनको मेरे पास में बैठा हुआ हूँ, और कैमरा मैंने ऊपर रख दिया है अपने पिंजरे के ऊपर, तो बहुत शौक से खाते हैं ये सॉफ्ट फूड मेरे बर्ड्स। और मैं सॉफ्ट फूड भी दूंगा, और एक इस शहर में जो बराबर में ट्रे रखी है उसमें दाना रख दूंगा, सीड मिक्स रख दूंगा, अभी तो मैंने ऐड कर रखा है सूरजमुखी। अब जो मैं मिलाऊंगा जो सॉफ्ट फूड जो अभी मैं करूंगा, जब अभी जो मैं दाना बनाऊंगा तो अब मैं उसमें सूरजमुखी जो है ऐड नहीं करूँगा। अभी तो देख सकते हो आप इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को सूरजमुखी, क्योंकि मैंने पहले बना रखा था ये, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये ख़त्म जब हो जाएगा दाना तो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे सूरजमुखी जो है, और अलसी भी निकाल दूंगा इसके अंदर से मैं, अब ऐड नहीं करूँगा। खाली जई मिलानी है मुझे और कंगनी मिलानी है, और बाकी हम इसके अंदर बाजरा मिलाएंगे 10%। जैसे हम पहले 1 किलो कंगनी में आधी किलो बाजरा डाल रहे थे, अब 1 किलो कंगनी में हम 250 ग्राम बाजरा डालेंगे। तो मतलब क्वांटिटी कम करनी है, बाजरा मतलब हटाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बाजरा बहुत फ़ायदेमंद होता है इनके लिए। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर।